सन 2016 10.4 मिलियन लोग टीबी से बीमार हुए थे और उनमें से 1.4 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई थी और इनमें से 26% मौतें भारत से हुई थी। पिछले एक दशक से टीबी का प्रसार और घटनाएं खतरनाक दर से बढ़ रही हैं। यह उच्च समय है कि हम अपने प्रयासों को एकजुट करते हैं और टीबी मुक्त दुनिया के लिए एक प्रयास करते हैं। यह रोग कैसे फैलता है, इसके लक्षण और विभिन्न उपचार पद्धति क्या है, आइए हम इस लघु फिल्म के माध्यम से देखते हैं। हम डॉक्टर वसंतराव पवार वैद्यकीय महाविद्यालय नाशिक के छात्र आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं हॉल्ट ट्यूबरक्यूलोसिस। विष्णु एक बहुत मेहनती खेत मजदूर है। वह दैनिक आधार पर कमाता है जहाँ से वह अपने घर के खर्चों को पूरा करता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह खांसी से पीड़ित है। देखते हैं कि एक साधारण दिखाई देने वाली खांसी उस चीज की ओर कैसे जाती है जिसे उसने कभी सोचा नहीं था। अरे काफी कुछ दिनों से लग रहा है आपकी खांसी रुक ही नहीं रही है, पर मुझे ऐसा लगता है ये मौसम के बदलाव की वजह से ही होगा। क्या हमें जाना चाहिए डॉक्टर के पास? नहीं, जरूरत नहीं, वो अपने आप बंद हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा अच्छा, मैं आपके लिए फिर एक काढ़ा बना के लेके आती हूँ, आपको आराम मिलेगा उससे। ठीक है। ये लीजिए, आप ये पी लीजिए। दो सप्ताह बीत चुके हैं लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ है, परंतु स्थिति बढ़ जाती है। लगता है अभी हमें डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। हाँ जाते हैं। बहुत खांसी होती है। आप हमारे पूछे और खांसते वक्त छाती में बहुत दर्द होता है और मुझे थकान भी बहुत जल्दी होती है और उसकी वजह से मुझे पिछले 2-3 दिनों से मैं काम पे भी नहीं जा रहा हूँ। ये खाना कैसे खाते है? अरे मैडम, पहले तो ये 4 रोटी खाते थे पर अभी एक भी नहीं जाती है इनको। इनका वजन भी इतना कम हो गया है, खाते ही नहीं। ठीक है, आपको नींद बराबर आती है? नहीं आती, बहुत खांसी के कारण मुझे नींद भी पूरी नहीं होती और रात को कभी कभी सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है और मैं पंखे के नीचे सोता हूँ फिर भी मुझे बहुत पसीना आता है। तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी, थकान हो जाती होगी आपको। हाँ ठीक, मैं आपका चेकअप कर लूंगी। बैठ जाइए, मैं बोलूंगी तब एक लंबी सांस लेना। देखिए अभी तो कुछ बता पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो मैं आपको एक डब्बी देती हूँ, इसमें आपकी थूक का नमूना दीजिए और थूक का जांच होगा, उसका रिपोर्ट आप मेरे पास लेके आइए, फिर ही आपको कुछ बता पाएंगे। क्या हो गया, कुछ गंभीर समस्या तो है नहीं ना? देखिए रिपोर्ट के हिसाब से तो लग रहा है कि आपको टीबी के लक्षण हैं। टीबी? ऐसे कैसे टीबी?
सिर्फ 2-3 हफ्ते के खांसी की वजह से टीबी थोड़ी ना होता है। देखिए आपके आसपास शायद किसी को टीबी होगा इसलिए आपको हो गया है। जो टीबी के जंतु होते हैं इनको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, ये बहुत ही संक्रामक होते हैं। आपके आसपास किसी को इलाके में किसी को है क्या टीबी? अरे डॉक्टर साहब, अगर किसी को होगा टीबी तो थोड़ी कोई ना बताता है किसी को, और अगर किसी को पता चला इनको टीबी है तो हमें समाज से अलग कर देंगे सब। देखिए ऐसा नहीं है, लोगों की ये जो सोच है टीबी के प्रति ये हमको बदलनी है। टीबी का इलाज अभी संभव है, पूरा कोर्स पक्का इलाज। देखिए ट्रीटमेंट 6 महीने के लिए चलेगा। अभी भारत सरकार द्वारा RNTCP और डॉट्स की वजह से आपको दवाइयाँ मुफ्त में मिलेंगी। मैं आपको दवाइयाँ दिखा देती हूँ। देखिए ये दवाइयाँ हैं और आपको इन नंबर के हिसाब से दवाइयाँ लेनी है रोज। आपको एक दिन में 3 दवाइयाँ लेनी है आपके वजन के हिसाब से, ठीक है? और आपने दवाई ली उसके बाद आपको एक नंबर पे फोन करना है, मिस कॉल करना है, और ये नंबर आपके दवाई के इसके पीछे ही लिखा है। तो जब आप दवाई लेंगे तो नंबर निकलेगा, उसी हिसाब से आपको दवाई लेनी, ठीक है? देखिए इनके खाने का ध्यान रखिए, इनको भूख अगर नहीं भी लगती है तो भी इनको अच्छे से खाना खिलाइए, और खाने में इनको फल भी देना, और आपको आपके इलाके में बच्चे होंगे तो उनसे दूर रहना है, और हमेशा सारा समय आपको मास्क पहनना है। मैं आपको मास्क दे देती हूँ, ये मास्क आपको सारा समय पहन के रखना है, ठीक है? और आपको अगर बहुत थूक आती है तो आप एक काम कीजिए, एक ढक्कन वाली डब्बी लीजिए और उसमें आप थूक दीजिए, और उसको फिर आप बेसिन में फेंक सकते हैं, उसको डेटॉल से धोइए और फिर से उसका इस्तेमाल करिए। याद रखना कहीं भी थूकना नहीं है आसपास। और अगर आप मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ऐसा भी है कि इनको भी टीबी हो सकता है, ठीक है? ख्याल रखिए अपना। धन्यवाद। विष्णु ने पहले 2 हफ्ते नियमित रूप से दवाइयाँ ली, लेकिन उन 2 हफ्तों में उसे पहले से काफ़ी बेहतर महसूस होने लगा, इसलिए उसने दवाइयाँ लेना बंद कर दी। विष्णु को लगता है वो फिर से ठीक हो गया है, उसे पहले जैसे थकान नहीं होती, वो ठीक से खाना खा सकता है और उसे दवाई लेने की जरूर नहीं लगती। 2 हफ्ते के बाद विष्णु को फिर से सारे लक्षण होने लगते हैं, लेकिन ज्यादा तीव्रता से। उसको खांसी के साथ साथ अब खून भी आने लगता है। वो फिर से डॉक्टर को दिखाने जाता है। अब आपकी तबीयत कैसी है? मैडम मैं तो रोज दवाई लेता था, लेकिन फिर से मुझे ऐसा क्यों होने लगा? और अब जब मैं खांसता हूँ तो खांसी में खून आता है, ये देखो। आपने दवाइयाँ बीच में से लेना छोड़ तो नहीं दिया था? नहीं, वो तो मुझे अच्छा महसूस होने लगा था काफी, तो मैंने सोचा कि मुझे ठीक हो गया हूँ, तो इसलिए मैंने बीच में दवाई लेना छोड़ दिया था। मैंने आपको क्या कहा था, ट्रीटमेंट 6 महीने तक चलेगी। टीबी आसानी से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। जब मैंने आपको कहा था 6 महीने तक दवाई लेनी है तो आपने लिया क्यों नहीं? अभी हमको फिर से सारी जांच करवानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि दवाइयों का असर हो रहा है या नहीं, और अगर नहीं हो रहा होगा उसको ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कहते हैं, और उसका इलाज और लंबा चलता है, करीबन 2 साल चलता है। अगर हमने डॉक्टर ने आपको दवाई दी है तो आप लेते क्यों नहीं नियमित रूप से? ओके मैडम, अब मैं समझ गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, अब इसके बाद मैं नियमित रूप से दवाई लूंगा। हमारे देश में विष्णु जैसे कई और किस्से हैं जिनको दवाइयां नियमित रूप से न लेने की वजह से MDR यानी मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो चुका है। WHO का जागतिक क्षयरोग दिवस का 2018 का विषय है वांटेड लीडर्स फॉर अ टीबी फ्री वर्ल्ड। कौन है ये लीडर्स? ये लीडर कोई भी बन सकता है जिन्होंने टीबी का इलाज खत्म किया हो, और वो जो अभी लोगों में जागरूकता करना चाहते हो, तथा कोई भी इंसान जो टीबी के बारे में जानकारी लोगों में देना चाहता हो वो बन सकते हैं लीडर, क्योंकि किसी के अनुभव से ही तो हम सीखते हैं। ये रोग शुरू हो उससे पहले ही इसे लड़ो, तो आइए हम सब टीबी को समाप्त करने के लिए एकजुट होकर प्रयास करें।